सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज किसी ने फ्रेंड्स बताने ना यूमंग। यूमंग एक ऐसा एप्लीकेशन, ये सरकारी एप्लीकेशन, इसमें आपको हजारों सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे पासवर्ड अप्लाई करना हो, आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, पैन कार्ड अप्लाई करना हो, पैन कार्ड को डाउनलोड करना हो, पुलिस से कंप्लेन करानी हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज करना हो, ये सारी सर्विसेज आपको यूमंग ऐप में आपको देखने के मिल जाती है। ये सरकारी एप्लीकेशन, इसमें कोई सा भी आप काम कर सकते हैं। पेंशन से कोई रिलेटेड करना हो वो सारा चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। सो आज की स्टूडेंट फ्रेंड्स दिखाने यूमंग ऐप कैसे यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन में, आज की स्टूडेंट पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करें छोटी छोटी वीडियो पसंद आई कीजिएगा। चैनल पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से यूमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में डायरेक्ट आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये उमंग का इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर यहाँ पे रिडायरेक्ट आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। देखिए यूमंग का ये इंटरफेस आपको इस तरह का आपको देखने को मिले। देखिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़े, कौन सा लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, किस में चलाना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे, स्टेट कितनी लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज यहाँ लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद देखिए टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर डायरेक्ट आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। इस तरह का देखिए सबसे पहले आपको देखिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको मोबाइल नंबर डालकर आपको देखिए टर्म कंडीशन के रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक। देखिए मुझे यहाँ पे एक एरर यहाँ दिखा, दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि ये नंबर से पहले यहाँ पे मैं अकाउंट बना चुका हूँ इसलिए मेरे पास इस तरह का मैसेज खुल कर आ रहा है। अगर आपने पहले नहीं बनाएगा तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट ओटीपी का ऑप्शन है, ओटीपी डालकर वहाँ पे आपको पास पिन कोड बनाकर डायरेक्ट इसको वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना, चलिए मैं आपको लॉग इन करके डायरेक्ट दिखला दे रहा हूँ। इसके लिए देखिए आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए मोबाइल नंबर ये जो आपने एम पिन रखा होगा वो पिन डालकर डायरेक्ट आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए मेरा यूमंग ऐप यहाँ पे पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सर्विस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ई श्रम कार्ड की फैसिलिटी आपको देखिए, नेशनल ए हेल्थ की, देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे खुलकर डायरेक्ट आपको देखिए ESI का आपको सर्विस आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट की देखिए आपको सर्विस, देखिए यहाँ पे PF का पैसा निकाल सकते हैं, मोबाइल से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे CRISS NCT, देखिए टी, देखिए यहाँ पे टी राशन कार्ड, ये बहुत सारी सर्विस आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पूरी सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पे हज़ारों सर्विस आपको यहाँ के देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं इसमें क्लिक करके वो सर्विस को आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना, देखिए आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। देखिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते। देखिए यहाँ पे गैस का मिल जाएगा, देखिए मोबाइल रिचार्ज मिल जाएगा, देखिए कैब टीवी यहाँ पे, देखिए LIC इंश्योरेंस मिल जाएगा, देखिए वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, देखिए वाईफाई कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी सर्विस मिल जाएगी। देखिए सी ऑल पे क्लिक करेंगे और भी सारी सर्विस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सके, लोन पेमेंट कर सकते हैं, ये देखिए म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, देखिए ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुत सारी नल वाटर कर सकते हैं, लैंडलाइन का, देखिए ये सारी सर्विस आपको इसमें देखने के लिए और मिल जाएगी। चलिए और भी मैं आपको यहाँ पे दिखला देना, बहुत सारी सर्विस आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे PF का पैसा निकाल सकते हैं, SI से रिलेटेड, देखिए HP गैस के रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। और भी चीज़ देखें, देखिए आयुष्मान भारत कार्ड का योजना देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सा, देखिए कौन कौन सा रिलेटेड काम रहेगा वो सारी काम के इसमें आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा देर ये लोडिंग ले रहा, लोडिंग के बाद आपको यहाँ के खुल के देने, देखें आयुष्मान कार्ड यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे मिलेगा साल का, यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए तक आपको मुफ्त में मिलता है यहाँ पे इलाज कराने के लिए, सरकार आपको ये देती है। यहाँ पे यहीं से देखिए इसका PDF में डाउनलोड कर सके, यहीं से आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड भारत आपका बन जाएगा तो कहीं भी रहती है किसी कोने में भी, वहाँ पर आप सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं आपको सरकार देगी। देखिए आपको डिजी लॉकर से रिलेटेड मिल जाएगा, देखिए स्टेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे से सारी सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे होम के ऑप्शन पे आ जाएगी, बहुत सारी सर्विस आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगी। अगर देखिए आपको PF चेक करना है तो देखिए EPFO पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग लेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे Form 10C यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, व्यू पासबुक देख सकते हैं, क्लेम देख सकते हैं, ट्रैक क्लेम देख सकते हैं, यूमंग FT एक्टिवेट, देखिए यूमंग ये सारी सर्विस आपको यहाँ पे PF का पैसा चेक कर सकते हैं, PF को यहीं से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोविड सर्टिफिकेट यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारी सर्विस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिल आप पेमेंट किसी तरह का बिल पेमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे और भी सर्विस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए ये सारी सर्विस, देखिए यहाँ पे रेलवे टिकट की सर्विस मिल जाएगी, हेल्थ की सर्विस, देखिए राशन कार्ड की मिल जाएगी, ये सारी सर्विस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए और भी सर्विस मैं आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का देखिए लाभ यहाँ से ले सकते हैं, यहीं से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ये यहाँ से देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। थोड़ा देर ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पे खुलने के लिए, यहीं से देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका बटन यहाँ पे देखिए PDF में इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसको
डायरेक्ट यहाँ से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर देखिए यहाँ पे ई श्रम कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ई श्रम कार्ड यहाँ पे पोर्टल यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग होने में टाइम लगेगा, जो कि मेरा नेट यहाँ पे स्लो चल रहा है। देखिए मैं इसको ओपन करके आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ कौन कौन सा काम यहाँ से आप कर सकते हैं ई श्रम कार्ड से। यहीं से आप देखिए ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड यू यानी कि जो अपने कार्ड बने इसका कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते। देखिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यू आर नंबर यानी कि जो आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर रहता है वही आपको ई श्रम कार्ड में मिलता है। वो 12 डिजिट नंबर डालेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पर क्या OTP आएगा, OTP डाल के आपको डायरेक्ट वेरीफाई के OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद देखिए आपका ई श्रम कार्ड जो है, देखिए यहाँ पे आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे खुल कर आ चुका है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड देखिए आप भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो आपका ई श्रम कार्ड बनाया था पहले से, वो ई श्रम कार्ड आपका डाउनलोड कर इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, यही कार्ड को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चलिए मैं और भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करना, देखिए अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ से प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो OTP डाल कर वहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलते हैं यूमंग ऐप में। इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए प्रोफाइल के ऑप्शन कहीं आए तो अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, प्रोफाइल डिटेल देख सकते हैं, सर्विस देखिए देख सकते हैं, हेल्प रिपोर्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ये सारी से लॉगआउट यहाँ से कर सकते हैं, ये सारी प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और भी चीज़ देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो चलिए मैं नीचे एक और आता हूँ। यहाँ देखिए राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे राशन कार्ड, मेरा राशन कार्ड पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे गुजरात का मिल जाएगा मेरा राशन कार्ड, अभी जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ की ऑलरेडी अपलोडिंग है। देखिए मेरा राशन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा देर यहाँ पर ये लोडिंग लेगा, जो कभी ये मेरा राशन शायद अभी यहाँ पे खुल नहीं रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए ये खुल नहीं पा रहा है। मेरा राशन समाज से व्यू राशन कार्ड की डिटेल देख सकते हैं, राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कि सारी डिटेल समाज से मेरा राशन कार्ड से आप देख सकते हैं, सारा काम वहाँ से कर सकते हैं। सो आप इस तरह से यहाँ पे यूमंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में यूमंग ऐप नहीं है तो आपको यूमंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है, सारा चीज़ का वहाँ पर सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं। सो आपकी वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।